हाय स्टूडेंट्स मैं सोनिया हूं विद्या गुरु से मैं करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाली हूं करंट अफेयर्स मार्च 2021 के करंट अफेयर्स है ये सेशन मैं स्टार्ट कर दूंगी यहां से बट बत आपको बता दूं जिन बच्चों को लैंग्वेज कंसर्न होता है वो बच्चे हिंदी मीडियम का सेशन नहीं देख पाते हैं दैट मीन्स हम जो इंग्लिश मीडियम का सेशन बनाते हैं द सेशन विच इज इन कंप्लीट इंग्लिश मीडियम दैट इज ऑल्सो अपलोडेड यू नो ऑन आर चैनल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी वेल लाइक आर स्टूडेंट फ्रॉम साउथ इंडिया लाइक आर स्टूडेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगर आपको समझ नहीं आ रहा है हिंदी में सेशन स्विच टू दंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन वो भी प्ले लिस्ट में होता है जब मैं स्टार्ट कर रही हूं सेशन तो एक्सपेक्ट आपसे जरूर करती हूं कि आप लाइक का बटन दबाओगे क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी होती है हर बार जो बच्चे पुराने हैं उन्हें पता है कि हम एम्पल टाइम स्पेंड करके आपके लेते हैं सारे क्वेश्चन सिर्फ आधे घंटे के वीडियो में लेके आते हैं इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को कलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद एक तरह के क्वेश्चन एक साथ लाना कि अगर मैं ब्रिज की बात कर रही हूँ तो दो ब्रिज एक साथ आ जाएं मैं डेज की बात कर रही हूँ तो एक साथ डेज पढ़ा दिए जाएं मैं बुक्स की बात कर रही हूँ तो पांच बुक्स एक साथ पढ़ा दी जाएं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट करने पड़ते हैं इसीलिए लाइक ज़रूर कर देना आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को विद्या गुरु के सब्सक्राइब जरूर करना सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन जो होता है उसको आपको पक्का से प्रेस करना पड़ता है तभी नोटिफिकेशन आते हैं सभी एग्जाम रेलिवेंट वीडियोज के जो हम चैनल पे अपलोड करेंगे अब फोकस हो जाएगा एक एक चीज यहां से सुनिएगा वीडियो खत्म होने से पहले सारे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए मेरे लास्ट वर्ड्स तक आपको सारे क्वेश्चंस याद करने हैं और वो भी पक्का से इंडिया का जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर थ्री का हम जीडीपी ग्रोथ हम किस तरह से बात कर रहे हैं पहले ये सुन लीजिए आपको मैंने फाइनेंशियल ईयर दो हजार बोल दिया और आपने मान लिया और दो हजार का फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी आपने पॉजिटिव सोच लिया ऐसा बिल्कुल नहीं है आपको बता दू हम सिर्फ क्वार्टर थ्री की बात कर रहे हैं क्वार्टर थ्री में आ, पहुंचा दिया गया है इसे पॉजिटिव पर तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है क्वार्टर थ्री का क्वार्टर थ्री मतलब हम यहां पर अक्टूबर दिसंबर वाले क्वार्टर की बात कर रहे हैं 2020 की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर दो हजार का क्वार्टर थ्री पॉइंट परसेंट मतलब एक तो पॉजिटिव हो गई है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है हम कह रहे हैं जीरो पॉइंट फोर परसेंट मतलब बस पॉजिटिव में आ गई है वही एक रिमार्केबल चीज है आगे बढ़ते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एक्चुअल में 2021 वाले की हम बात कर रहे हैं जब कोई खेलो इंडिया गेम्स होते हैं किसी भी तरह के तो हम जरूर इसके बारे में पढ़ते हैं इंडिया के अपने गेम्स हैं जिसमें हम अपने स्पोर्ट्स को भी अच्छे से प्रमोट कर पाते हैं तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दो जो होस्ट था इसका कर्नाटका इस बार था और कर्नाटका की बात हो रही है बेंगलुरु की बात ना करें तो अच्छा नहीं लगेगा ना इसीलिए जो वेन्यू था ना वो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का कर्नाटका वेन्यू वेन्यू था होस्ट था अगला क्वेश्चन देखिए वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है चेनाब नदी पे चेनाब की बात करते ही तो आप जम्मू कश्मीर पे पहुंच जाएंगे आपको पता है तो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी की बात कर रहे हैं इस पे वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज नहीं कह रही हूं हाइएस्ट रेलवे ब्रिज कह रही हूं वर्ल्ड को ध्यान से सुनिए पक्का से सुनिए वर्ल्ड का हाइएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो बनाया जाने वाला है चेनाब नदी पर चेनाब मतलब जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं हम इंडिया का पहला अंडरसी टनल है इंडिया का पहला अंडरसी सी के अंदर से जाता हुआ टनल जो है वो आने वाला है मुंबई में तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पर ब्यूटी पार्जेंट्स की बात करते हैं ब्यूटी पार्जेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम जो तीनों नाम पढ़ रहे हैं और तीनों नाम एम से पढ़ के आपको खुश नहीं होना है आपको नाम याद भी करने हैं तो मंशा है एक मान्या है और एक मनिका है तो मिस इंडिया वर्ल्ड जो है स्टार्ट हम ऊपर से ही कर रहे हैं तो मिस इंडिया वर्ल्ड जो है वो है मनसा वाराणसी अब वाराणसी जगह तो आप बिल्कुल नहीं समझोगे क्योंकि मनसा वाराणसी एक्चुअल में तेलंगाना की है आपको ये ऐसे याद रखना है और जो मिस इंडिया रनर आप 2020 वाली रही वो मान्या सिंह सिंह जो मान्या है वो यूपी से बिलोंग करती हैं और जो मिस ग्रैंड इंडिया 2020 है वो मनिका शेवकंद है मनिका शेवकंद हरियाणा की हैं तो मनिका हरियाणा की मान्या यूपी की और मनसा जो है वो तेलंगाना की तो आपको ये सीक्वेंस में भी याद रखिए और आप बहुत सारे ब्यूटी पैजेंट जो है मतलब जो शोज आते रहते हैं वो देखते रहते हो तो आप फेमिना 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 ही सोचते रह जाते हो तो आपको बता दूं जो स्पॉन्सर्स थे वो वी और फेमिना दोनों थे इसीलिए आपको अगर स्पॉन्सर पूछा जाए जो कि पूछा जाता है ज्यादातर पूछा जाता है क्योंकि ऐसी चीज बच्चे इग्नोर कर देते हैं वी और फेमिना दोनों ही स्पॉन्सर्स थे हमारे जो मिस इंडिया वाला पैजेंट था उसके तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए बड़े अगला क्वेश्चन है ऑपोजिशन में नए लीडर की बात कर रहे हैं राज्यसभा में तो अब आप गुलाम नबी आजाद को याद मत करने लगना न्यू लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एक्चुअल में ऑपोजिशन की बात हो रही है तो कांग्रेस की बात होगी मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में ऑपोजिशन के लीडर बन गए हैं न्यू चेयरमैन एन का एनसी मतलब नेशनल कमीशन होगा एस सी बोलूँ तो शेड्यूल हो बोलू तो कास्ट होगा तो मैं कह रही हूं जो नया चेयरमैन बना है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए विजय सांपला को बनाया गया है किसको विजय सांपला को एन का विजय सांपला को एनसीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है हिमा दास जिनके लिए हम हमेशा कुछ कुछ अच्छा चाहते थे कि अच्छा हो कि उन्हें उतना फेम नहीं मिल रहा है तो इतनी रीना इतनी फेमस इतनी इलास्ट्रियस बन गई थी इतने मेडल्स लेके आई हैं ये तो अब अच्छी बात ये है कि हिमा दास को अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंट हो गई है वो डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तो डीएसपी बन गई है असम पुलिस के अंदर असम पुलिस के अंदर हिमा दास तो हिमा दास स्प्रिंटर की बात मैं कर रही हूं फेमस तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अब एक ब्रिज जो मेघालय और असाम को कनेक्ट करेगा लेकिन आपको बताऊं अगर कोई ब्रिज हम पढ़ रहे हो अगर हम कोई ब्रिज पढ़ रहे हो और हम कह रहे हैं देखिए उसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो ब्रिज किन दो जगहों को जोड़ रहा है किस नदी पर बन रहा है तो हम यही बात ही कर सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी होगी जिस पर एक ब्रिज बनेगा जो आसाम और मेघालय को कनेक्ट करेगा असाम में अगर मैं स्पेसिफिक जगह पे जाऊं तो वो धुबरी है और धुबरी और फुलबाड़ी धुबरी और फुलबाड़ी जो है मेघालय में है इन दोनों को कनेक्ट करेगा इंपॉर्टेंट बात धुबरी और फुलबाड़ी तो हमेशा ही है असम को मेघालय से जोड़ेगा ये बात इंपॉर्टेंट है और नदी ब्रह्मपुत्र नदी है इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज होगा ये ये पढ़ना ही इसीलिए पड़ रहा है कि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज रिवर ब्रिज होगा ये वाला ब्रिज जिसकी बात हम कर रहे हैं अब बात करते हैं माजुली जोरहाट ब्रिज की माजुली जोरहाट की बात कर रहे हैं माजुली एक्चुअल में रिवर आइलैंड है तो अ, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली तो माजुली जोरहाट ब्रिज है टू कम अप ऑन ब्रह्मपुत्र नदी फिर से असम की ही बात हो रही है फिर से हम क्या कह रहे हैं असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली जोरहाट ब्रिज जो है वो बनाया जाएगा आपको इसको भी याद रखना है अगला क्वेश्चन देखिए अब जब ब्रिज की बात कर रहे हैं तो हम एक लिंक की बात करते हैं हम कह रहे हैं बेसिकली देखिए महाबाहु ब्रह्मपुत्रा महाबाहु ब्रह्मपुत्र ये एक इनिशिएटिव है लॉन्च किया है असाम की बात चल रही थी ना असाम मेघालय हम ऐसी बातें कर रहे थे तो अब हम फिर से असाम की बात करते हैं हम कह रहे हैं महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव आपको ये याद रखना है महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन असैम बहुत ज्यादा असम और केरला की बात हो रही है कारण आप खुद जरा सर्च करिएगा मुझे नहीं बताना है कारण आपको वैसे आपको सब कुछ पता होगा आजकल सब बच्चों को ये बातें पता होती हैं तो असम और केरला में बहुत कुछ इनगरेट किया जा रहा है महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव है जिसे लॉन्च किया गया आसाम में तो ये महाबाहु ब्रह्मपुत्र है क्या ये क्या इनिशिएटिव है इनिशिएटिव क्या है जरा पढ़िए नीचे वाले पॉइंट को नीचे वाला पॉइंट कह रहा है फॉर कनेक्टिविटी टू ईस्टर्न इंडिया ईस्टर्न इंडिया में जो है कनेक्टिविटी अच्छी कर रहे हैं इससे किससे करेंगे अच्छी महाबाहु बा, ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव से इससे अच्छी करेंगे ईस्टर्न इंडिया में कनेक्टिविटी बट कह रहे हैं इतना ही नहीं करेंगे हम इसके अलावा और भी काम करेंगे ऐसी चीज से काम ये करेंगे कि ये डेवलप करेंगे उन एरियाज को जो ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के आसपास वाले इलाके हैं ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के आसपास जो है आसपास वाले जो इलाके हैं उन्हें डेवलप करेंगे ईस्टर्न इंडिया में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव से तो ब्रिज की बात हम कर रहे थे महाबाहु ब्रह्मपुत्र ब्रिज अब अगला पॉइंट सागरिका पे चलते हैं सागरिका एक्चुअल में आपको बता दू इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनने वाला है भारत में कोई भी फुल फ्लेज ऐसा टर्मिनल है पड़ा नहीं मतलब सागरिका जो है वो इंडिया का पहला फुल फुलज्ड फुल फ्लेज इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है वो बनेगा तो ये कोची केरला में बनेगा तो सागरिका कोची केरला महाबाहु ब्रह्मपुत्र जो है वो असम अगला क्वेश्चन देखिए अच्छा अब जनरल इंश्योरर्स होते हैं और हेल्थ इंश्योरर्स होते हैं जनरल इंश्योरेंस होते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं तो जब मैं इंश्योरर बोलूं तो मैं इंश्योरेंस कंपनीज को रेफर कर रही होती हूं तो मैंडेटरी कर दिया गया है एक्सीडेंट कवर एक्सीडेंट कवर ऑफर जो ऑफर करती हैं जनरल इंश्योरेंस हैं और जो हेल्थ इंश्योरेंस हैं उनको पक्का से एक्सीडेंट कवर जो है पहली अप्रैल 2021 से इनको हर हाल में एक्सीडेंट कवर ऑफर करना पड़ेगा लेकिन आपको बताऊं ये ये सारी बातें इनसिग्निफिकेंट है बात ये है इंपॉर्टेंट बात कि इसका नाम सरल सुरक्षा बीमा है सरल सुरक्षा बीमा पहले ये सोचिए ना अगर मैं सुरक्षा शब्द ले आई तो इसका मतलब एक्सीडेंट की बात करने लग रही हूं और मैं कह रही हूं एक्सीडेंट से अपने आप की सुरक्षा कर रही हूं तो सरल सुरक्षा बीमा जो है वो एक एक्सीडेंट कवर है जो कहा जा रहा है आई आर ऐसी बातें कहता है कि जनरल इंश्योर को और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को यह ऑफर करना ही पड़ेगा लेकिन उसके लिए उन्होंने डेट दिया है, बोला है कि फर्स्ट अप्रैल 2021 से आपके पास एक्सीडेंट कवर होना चाहिए एक्सीडेंट कवर से हमारा मतलब क्या है देखिए कोई मिनिमम सम इंश्योर्ड होता है कि एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस मिलेगा तो एक करोड़ जो होता है वो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है एक करोड़ जो है वो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है लेकिन जो मिनिमम वैल्यू रखी गई है वो ढाई लाख का सम इंश्योरेंस की रखी गई है यहां पर इंपॉर्टेंट बात और ये है मिनिमम एंट्री एज अठारह है मैक्सिमम एंट्री एज जो है वो सत्तर है तो मिनिमम एंट्री एज अठारह है मैक्सिमम एंट्री एज जो है वो सत्तर है तो याद रखिएगा एज को भी अठारह साल वाले और सत्तर साल तक ही आप इस कवर को अवेल कर सकते हैं ले सकते हैं अगला क्वेश्चन देखिए अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं उषा राव मुनारी को बोलती रहूं तीन चार बार बोलूं आपको उषा राव मुनारी याद हो जाएगा अब इन्होंने ऐसा क्या किया है कि इनका नाम हम पढ़ रहे हैं और आपने इससे पहले इनका नाम भी नहीं सुना है इंडियन इकोनॉमिस्ट है ये इंडियन इकोनॉमिस्ट इकोनॉमि कौन उषा राव मुनारी बात यह है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ क्यों नहीं इकोनॉमिस्ट तो बहुत सारे हैं एक्चुअल में ये जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं इन्हें अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्रेटरी जनरल अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का तो यूएन की बात होने लगती है तो सोचो ना कितनी बड़ी बात हो रही है तो यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मुनारी इंडियन इकोनॉमिस्ट है इन्हें वहां का एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर और अंडर सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है अंडर सेक्रेटरी जनरल कहीं कहीं पर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल आ जाए तो चिंता ना करना सेम ही बात चल रही है अंडर सेक्रेटरी जनरल को असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी कहते हैं तो उषा राव मुनारी अगला क्वेश्चन फ्रॉम मार्च ट्वेंटी सेवंथ सी आर आर कैश रिजर्व रेशियो टू बी थ्री पॉइंट फाइव परसेंट फ्रॉम मे ट्वेंटी सेकेंड सी आर आर टू बी फोर परसेंट अच्छा एक मिनट थोड़ा सा uh, सोचते हैं कि हम क्या कह रहे हैं पहले पढ़ लेते हैं कि लिखा गया है कहानी जो लिखी है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स लिखे हैं ये किस काम के हैं और कैसे आपको समझ में आएंगे लेट मी एक्सप्लेन दैट बट बिफोर बिफोर सेइंग एनीथिंग एल्स एक बार आप पढ़ लीजिए इन 2020 थाउजेंड ट्वेंटी सी आर आर वॉज रिड्यूस टू थ्री परसेंट ऑफ एनडीटीएल पहले एनडीटीएल का फुल फॉर्म लिखिए नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी पक्का लिखिए नोट्स नहीं बनाएंगे कोई फायदा नहीं होगा वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है आपको बार बार रिवाइज करना होता है जो भी मैं पढ़ा रही हूं एग्जाम देने जा रहे हैं एग्जाम से पहले कैसे रिवाइज करेंगे अगर नोट्स नहीं है तो नोट्स जरूर बनाइए अपने हाथ से लिखा हुआ पक्का याद होता है कैश रिजर्व रेशो सी होता है कैश रिजर्व रेशो सी होता है एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी होता है इसको दो मिनट के लिए रख देते हैं साइड में अभी हम कह रहे हैं कि कैश रिजर्व रेशो चार परसेंट हुआ करता था लेकिन 2020 में 2020 में कैश रिजर्व रेशो को चार परसेंट से घटा करके तीन परसेंट कर दिया गया अब सरकार जो है अब जो आरबीआई है सॉरी तो जो आरबीआई है वो उसको तीन को वापिस चार करना चाहता है सीधा तीन परसेंट कैश रिजर्व रेशो को चार परसेंट नहीं कर सकता है तो इसीलिए वो क्या कर रहा है वो बेसिकली कह रहा है सत्ताईस मार्च से कैश रिजर्व रेशो को तीन से साढ़े तीन परसेंट कर दूंगा और मे 2022 तक फिर रुक रहा हूं फिर उसके बाद मे 2022 से कैश रिजर्व रेशो को चार परसेंट कर दूंगा मतलब वो जो पुरानी वाली थी जिसको घटा करके रिलैक्सेशन दिया जा रहा था अब रिलैक्सेशन खत्म मई 2000 मई uh, 20 22 बाईस से 22 मई 2021 से कैश रिजर्व रेशो 4 परसेंट वापिस कर देगा अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बढ़ने एक्सटेंशन ऑफ रिलैक्सेशन टिल 30th सितंबर 2021 कह रहा है कि एमएसएफ में रिलैक्सेशन मिल रहा था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है हम कह रहे हैं उसमें रिलैक्सेशन मिल रहा था देखिए जब एमएसएफ रेट बताई जाती है तो रेट जो होती है वो इंटरेस्ट रेट होती है एक परसेंट रिलैक्सेशन इन अंडर अलाउड अब ये रिलैक्सेशन uh, जो मिला है पहले क्या होता था पहले एनडीटीएल का, का बैंक जो है अपने का, से, 2 उधार ले पाता था हम क्या कह रहे हैं अपने नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी के हिसाब से जो बैंक है आरबीआई से दो परसेंट तक का एनडीटीएल जितना भी है उतने का दो परसेंट ही उधार ले पाता था रिलैक्सेशन दिया गया एक परसेंट एक्स्ट्रा दे दिया गया और बोला कि एक परसेंट का रिलैक्सेशन इन बोरोइंग अंडर एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो कि दो परसेंट थी एक परसेंट का रिलैक्सेशन मतलब अब ये तीन परसेंट हो जाएगा थ्री परसेंट ऑफ एनडीटीएल अब वो थ्री परसेंट का उधार ले पाएगा ऐसा रिलैक्सेशन इसलिए दिया जाता है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके कैश फ्लो जो है वो बढ़ाया जा सके लिक्विडिटी बढ़ेगी क्योंकि कैश जो है आर, बैंक जो है आरबीआई से जब लेगा तो सीधी बात है आगे बैंक क्या करेगा उस कैश को लेंड करेगा तो हम क्या कह रहे हैं तीन जो है अब अपने एनडीटीएल का बैंक आरबीआई से उधार ले पाएगा जो कि पहले दो परसेंट था बट ये परमानेंटली नहीं किया गया है इस एक्सटेंशन को इस रिलैक्सेशन को सिर्फ 30 सितंबर 2021 तक ही एक्सटेंड किया गया है इस रिलैक्सेशन को अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखिए क्या है अगला क्वेश्चन मुटेरा क्रिकेट स्टेडियम अच्छा आपने सुना बहुत सुना मुटेरा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में कि जो अहमदाबाद में सरदार पटेल के नाम से मुटेरा क्रिकेट स्टेडियम है वो अब से नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है तो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसे कहिएगा तो आ, हाल फिलहाल में सीरीज चल रही थी इसीलिए ये आपको बता दूं और इंपॉर्टेंट हो जाएगा मैचेस चल रहे थे तो नरेंद्र मोदी मोदी क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अब से कहां पर है अहमदाबाद में है जगह भी याद रखिए और वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है ये तो ये जरूर याद रखना है आपको मैंने क्या बोला सरदार पटेल के नाम पर था ये अगला क्वेश्चन देखिए अनफिनिश्ड जो है वो मेमवॉ है किसकी मेमवॉर है प्रियंका चोपड़ा की पहले ये मैंने भी आपको क्वेश्चन पढ़ाया है लेकिन जब ये लॉन्च uh, होती है कोई चीज़ या रिलीज होती है तब मैं आपको देखिए अगर किसी ने सिर्फ बात बोली है कॉन्वर्सेशन में है मतलब ये शुरू हो रही है प्रोसेस में है और बन के आ गई है मैं तब भी पढ़ाती हूं लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं है यहां पर ऐसी बात इसलिए है कि अगर कोई चीज़ करंट uh, अफेयर्स में आपको पढ़ाई जा रही है तो हाल फिलहाल कहीं न्यूज में इसके बारे में बात की गई थी इसीलिए मैं आपको इसके बारे में भी पढ़ा रही हूं तो अनफिनिश्ड जो है मेम वॉर है किसकी प्रियंका चोपड़ा की आपको याद रखना है अगली किताब के बारे में हम बात करते हैं हम कह रहे हैं कि पीटर मुखर्जी की स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ टीवी वी स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ टी वी एग्जीक्यूटिव पीटर मुखर्जी की किताब है ये ऑथर कौन है पीटर मुखर्जी द लॉस्ट सोल लॉस्ट सोल ओल्गा टुकारजुक की किताब है अच्छा अब ओल्गा सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ओल्गा टुकारजुक जो है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि द लॉस्ट सोल उस राइटर की किताब है जिनको 2018 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था सोचिए कि लिटरेचर में ओलगा टोकारजुक को 2018 में नोबेल प्राइज मिला था इसीलिए तो ओल्गा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो याद रखिए द लॉस्ट सोल अगला क्वेश्चन इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी इनोग इन केरला तो डिजिटल यूनिवर्सिटी है ऐसी एडवांस चीजें हम केरला में देख पाते हैं जो सबको सारे के सारे स्टेट्स में इंप्लीमेंट की जानी चाहिए बस ऐसा सोचते रहते हैं तो इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी इनगरेटेड इन केरला और नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी अब अगर मैंने ये बोला है कि कोई डिजिटल यूनिवर्सिटी है तो कुछ उसका नाम भी रखा जाएगा नाम इंपॉर्टेंट है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अगला क्वेश्चन देखिए एम्बेसिडर ऑफ आर बी आई अवेयरनेस कैंपेन ऑन साइबर फ्रॉड्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स साइबर फ्रॉड्स होते हैं ना सिक्योरिटी सिक्योरिटी आते हैं ना तो एंबेसडर बनाया गया है वायरस को अब वायरस को एम्बेसिडर बनाया गया तो आपको डरना नहीं है एंबेसिडर जो है वायरस इसलिए बनाए गए हैं वायरस जो है वो बेसिकली पंजाबी रैपर का नाम है तो एम्बेसिडर फॉर आरबीआई अवेयरनेस कैंपेन अवेयरनेस कैंपेन किस पे है वो साइबर फ्रॉड्स पे है सिक्योरिटी थ्रेट्स पे है सतर्क रहे इस कैंपेन का नाम है जिस कैंपेन की बात हम कर रहे हैं और वायरस जो है पंजाबी रैपर इसके एम्बेसिडर बनाए गए हैं पेमेंट पेमेंट्स बैंक टू बिकम स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हम कह रहे हैं अगर कोई पेमेंट बैंक है शेड्यूल कमर्शियल बैंक बन जाता है तो पेमेंट बैंक हम एक छोटी एंटिटी की बात कर रहे होते हैं और कितनी बड़ी फाइनेंशियल एंटिटी uh, बन जाती है जब वो कोई कमर्शियल बैंक बन जाएगा तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक बना है पेमेंट बैंक कौन सा वाला फिनो पेमेंट बैंक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पक्का एग्जाम में आने वाला है तो फिनो पेमेंट बैंक फिनो पेमेंट बैंक जो है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है हम कह रहे हैं ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक बन गया है जो कि पहले पेमेंट बैंक था देखिए जब ऐसा होता है किसमें एडिशन करना पड़ता है या किसी में किसमें अमेंडमेंट करना पड़ता है तो ऐसी कोई चीज होती है तो हम कह रहे हैं कि इसे इंक्लूड किया जाएगा किसके अंदर सेकेंड शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल ऑफ आर एक्ट नाइनटीन में अगला क्वेश्चन देखिए इंडियन ऑल्टरनेटिव टू ट्विटर आप देखिए होता यह है कि जब टिकटॉक जाता है तो यूट्यूब शॉर्ट्स आ जाता है हर बार हर चीज कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में भाई हम कह रहे हैं रिप्लेस भी हो सकती है रिप्लेसमेंट भी हो सकता है और उसकी ऑल्टरनेटिव भी आते रहते हैं यहां पे हम कह रहे हैं ट्विटर का इंडियन ऑल्टरनेटिव जो बनाया है वो ऐप बनाया है के O वो वाला कु ऐप है तो कुछ और नहीं सोचना आपने कू का मतलब इंडियन ऑल्टरनेटिव टू व्हाट्सएप तो जी व्हाट्सएप का भी बनाया है ऑल्टरनेटिव आप इस्तेमाल करके देखिएगा संदेश ऐप है ये संदेश व्हाट्सएप का इंडियन ऑल्टरनेटिव और ट्विटर का कू ऐप संदेश हैज बीन लॉन्च बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हम कह रहे हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने संदेश को लॉन्च किया है अगला क्वेश्चन देखिए दादा साहब फालके इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स तो दादा साहब फालके नहीं बोलने लग गए हम सिर्फ दादा साहब फल फालके फाल अवार्ड्स की बात कर रहे हैं पहले ध्यान से वर्ड्स पढ़िए दादा साहब फालके इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं बेस्ट एक्ट्रेस में छपाक मूवी के लिए दीपिका पाडू को उनको मिला बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार को लक्ष्मी मूवी के लिए मिला बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु लूडो मूवी के लिए बेस्ट फिल्म जो है वो तानाजी तो तानाजी बेस्ट फिल्म डायरेक्टर अनुराग बासु मूवी का नाम भी याद रखना है लूडो के लिए बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार लक्ष्मी के लिए और छपाक के लिए दीपिका पाडुकोण अगला क्वेश्चन देखिए नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन टू क्रिएट डिजिटल इंफ्रा नेशनल देखिए एनयू डीएम अगर लिखा आ रहा है तो हम नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की बात कर रहे हैं नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की बात हम कर रहे हैं करेगा क्या ये डिजिटल इंफ्रा क्रिएट करेगा इट विल ट्रांसफॉर्म अर्बन गवर्नेंस को अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो हम उसको डिजिटल बनाएंगे तो वो डिजिटल इंफ्रा जो है वो तैयार किया जाएगा हम कह रहे हैं नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन जो तैयार करेगा डिजिटल इंफ्रा अर्बन गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पूरे तरीके से चेंज करने के लिए जब बात करेंगे तो ये ये किसके अंडर आ रहा है सारी की सारी जो कहानी चल रही है ये जो लॉन्च किया है बेसिकली इसे एमओ एच यू ए जो लिखा है इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हरदीप सिंह पुरी हैं जिसके मिनिस्टर कौन है हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जिसके अंडर ये नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन जो है लॉन्च किया गया है मैंने क्या कहा है डिजिटल इंफ्रा नाम से ही थोड़ा सा पता लगा लीजिए डिजिटल इंफ्रा से हम कह रहे हैं कि अर्बन गवर्नेंस को चेंज करने के लिए ऐसा किया गया है लेकिन कब ये होने वाला है स्टार्ट सिटीज में बाय कुछ देखिए पहले ये बात चल रही है टू बी रोल्ड आउट इन सिटीज बाय 2022 लेकिन सिटीज और टाउन्स दोनों में 2024 तक ले आएंगे डिजिटल इंफ्रा हम कह रहे हैं दो तक सिटीज में आ जाएगा लेकिन सिटीज और टाउन में अक्रॉस ऑल सिटीज यहां पे ऑल इंपॉर्टेंट है सब में सारी सिटीज सब टाउन में आ जाएगा डिजिटल इंफ्रा दो हजार चौबीस तक अब यूनियन मिनिस्टर मेटी मतलब हम कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद जो है वो रविशंकर प्रसाद जो है देखिए पहले अगर मैंने हरदीप सिंह पुरी की बात की तो मैंने हरदीप सिंह पुरी की बात मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए की यहां पर मैं कह रही हूं अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करती मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करती तो उनके मिनिस्टर तो मैंने बहुत ज्यादा ज्यादा अभी डिस्कस किए ही नहीं है है इसलिए नया था आपको बताना जरूरी है कि प्रसाद हैं जो यूनियन मिनिस्टर हैं किसके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अगला क्वेश्चन देखिए एक्चुअल में ये दोनों ने क्लब करके लॉन्च किया था डिजिटल इंफ्रा को इसीलिए दोनों लिखे हैं मैंने ध्यान से पढ़ लीजिएगा चलिए अब आगे चलते हैं आरबीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात हम यहां पर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आरबीआई ने तैयार किया है क्या कहना चाह रहे हैं अब क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो ये अब मॉडिफाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको कहलाना है अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की तरह एग्जिस्ट करते हैं तो आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी शर्तें कैसी एक तो 20 करोड़ बीस करोड़ जो है नेट ओन फंड होंगे उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के मिनिमम मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है मिनिमम हम कह रहे हैं बीस करोड़ जो है वो नेट ओन फंड होंगे उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अगर वो अपने आप को हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कहे जाना चाहती है कहलाना चाहती है तो मिनिमम परसेंटेज जो है अब हंड्रेड परसेंट है तो हम कह रहे हैं लेकिन वो जो कुछ परसेंटेज है टोटल एसेट्स का जो लेंड करेगी देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो वो लेंड करेगी तो जो मिनिमम परसेंटेज है टोटल एसेट्स का वो हाउसिंग फाइनेंस में मिनिमम मिनिमम साठ परसेंट होना चाहिए जितना भी लेंडिंग किया है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने वेरियस सेक्टर्स में लगा दिया लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कहलाने के लिए हाउस के लिए तो पैसा देगी ना तो हाउसिंग फाइनेंस में सिक्सटी परसेंट का उसका लैंडिंग होना चाहिए ऑफ टोटल एसेट्स तभी वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये भी शर्त पूरी करनी पड़ेगी अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अपने आप को कहलवाना है तो आपको बता दू साठ परसेंट के अंदर मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स टूवर्ड्स हाउसिंग फाइनेंस फॉर इंडिविजुअल्स फिफ्टी परसेंट आप बिल्डर को भी दे रहे हो आप किसी स्कीम में हाउसिंग फाइनेंस के लिए लेंड कर देते हो तो आप साठ परसेंट का ऐसा लेंड कर देते हो टोटल लेकिन कह रहा है कि उस सिक्सटी परसेंट में भी हम कह रहे हैं सौ का पचास परसेंट इंडिविजुअल्स को दिया जाना चाहिए आपको और मुझे लेंड किया जाना चाहिए तभी आप कौन है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है सारी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी अंडर आरबीआई चलिए अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की ही बात को आगे बढ़ाते हैं हम कह रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनको मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कंसिस्टिंग ऑफ टीयर वन टीयर टू कैपिटल ऑफ मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो आपके पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मतलब एक एडिक्वेट कैपिटल का कैश का मनी का रेशो जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा कैपिटल का एडिक्वेट रेशो मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो हम बात इतनी सी कह रहे हैं कि किसेंट जो है वो होगा बाय मार्च और इस चौदह को पंद्रह परसेंट कर लीजिए इस कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को मार्च इकतीस दो हजार बाईस तक लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट मैंडेटरी फॉर नॉन डिपॉजिट टेकिंग इन एच विद एसेट साइज हंड्रेड करोड़ और मोर और नीचे कह रहा है कि कंपलसरी फॉर एवरी डिपॉजिट टेकिंग एच एफ सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं हम कह रहे हैं दो तरह की हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं हम कह रहे हैं एक डिपॉजिट लेती है डिपॉजिट टेकिंग एच एफ सी है और एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एच एफ सी है तो कह रहा है कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज डिपॉजिट लेने वाली हैं डिपॉजिट टेकिंग है, deposit taking है. उनके लिए लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट मैंडेटरी है सबके लिए इसमें हमने कुछ नहीं कहा है कि इसमें कोई वेरिएशन हमने तय नहीं किया है सारी की सारी डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट करना कंपलसरी है लेकिन हम ये पॉइंट जो ऊपर वाला है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसका साइज डिस्कस करने वाले हैं कि जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एक शर्त रखी गई है कि अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एसेट साइज सौ करोड़ है या उससे ज्यादा वाली नॉन डिपॉजिट एच है तब उनको लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा लिक्विडिटी कैश इन हैंड कैश इन पॉकेट की बात हम कर रहे हैं कि अगर आप लोन देते हो तो रिस्क होता है आपके पास कैश होना चाहिए आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए मैनेज करने के लिए क्योंकि देखिए कभी भी लोन पे क्या हो सकता है डिफॉल्ट हो सकता है लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट करना होगा मैंडेटरी होगा नॉन डिपॉजिट टेकिंग एच के लिए भी अगर उसका एसेट साइज सारी नॉन डिपॉजिट के लिए नॉन डिपॉजिट एच के लिए नहीं कह रही हूं सिर्फ वो जिनका साइज 100 करोड़ या उससे ज्यादा वाला है बस उनके लिए लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट मैंडेटरी है अगला पॉइंट अगला क्वेश्चन फ्रेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एनबीएफसी फ्रॉम एफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नॉन क्शन लिमिटेड टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ वोटिंग पार अब फॉरन से पैसा आता है फॉरन इन्वेस्टमेंट आती है कहां पर किसी एनबीएफसी में आती है बट वो हमारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब वो नॉन कंप्लाइंट ज्यूरिस्डिक्शन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो हमारा है उससे वो मैच नहीं करती कोई रिलायबल सोर्स नहीं है जहां से वो आ रही है तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है नॉन कंप्लाय जूरिजिक नॉन कंप्लाइंट मतलब जो फॉलो नहीं करता है नॉन कंप्लाइंट जूरिस्डिक्शन लिमिटेड टू ट्वेंटी अगर आप किसी रिलायबल सोर्स से लाते हो तो उसके लिए अलग तरह से परसेंटेजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तय की जाती हैं लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर एफ नॉन कंप्लायट जूरिस्डिक्शन है मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नॉन कंप्लाइंट जूरिस्डिक्शन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है एनबीएफसी के अंदर तो उसको हम ट्वेंटी तक का ही वोटिंग पार देंगे ट्वेंटी तक ही अलाउ करेंगे पक्का से इस बात को याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए ये बहुत सारी बात हमने पहले की लेकिन आपको बता दूं हाल फिलहाल फिर से फिर से ये जो मर्ज बैंक्स थे और जो इनके एंकर बैंक्स थे ये न्यूज में थे बहुत ज्यादा थे प्लीज इसीलिए अच्छे से याद रखिए इन सबको ये आएंगे क्वेश्चंस अभी फिर से इनके बारे में डिस्कशन चल रहा था इसलिए आपको याद रखना है आंध्रा बैंक और कॉपोरेशन बैंक मिलकर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गए मतलब मैं ये तो नहीं कह रही हूं ना कि आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया ना जी तीन बैंक थे आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया तो बड़ा बैंक हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसमें ये दो बैंक मर्ज कर दिए गए थे एंकर बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया था सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया था अलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया था देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया था तो जो ये लाल रंग से लिखे हुए हैं ना ये एंकर बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में है जाकर के आप चेक करना यहां पर ये लास्ट क्वेश्चन जो है मैं पहले डिस्कस कर लूं और उसके बाद आपको मैं बोलूंगी बाद में जो मैं कहना चाह रही हूं ब्रिक्स फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक मीटिंग मतलब हम कह रहे हैं ब्रिक्स ब्रिक्स के अच्छा BRICS बोलते हैं तो ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका बोल पाते हैं क्या तो ब्रिक्स को ऐसे बोलना सीखिए यही तो है ब्रिक्स ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका तो हम कह रहे हैं ब्रिक्स के फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक के डेप्यूटीज की मीटिंग जिसको होस्ट इंडिया ने किया ये क्वेश्चन इसीलिए सुपर इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ब्रिक्स के फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की मीटिंग को इंडिया ने होस्ट किया क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया इसीलिए इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स का ब्रिक्स का शर्पाज मीटिंग ब्रिक्स का शरपाज मीटिंग शर्पा मतलब हम हाई रैंक के ऑफिसर्स को शरपाज बोलते हैं तो हाई रैंक ऑफिसर्स हैं ब्रिक्स के उनकी मीटिंग को होस्ट किया इंडिया ने इंडिया बिकेम ब्रिक्स चेयरशिप इन चेयरशिप इन 2021 तो इंडिया को चेयर बनाया गया इंडिया चेयरशिप कर रहा था ब्रिक्स की 2021 इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है यहां पर मैं रैप अप करूंगी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना और अगर, अगर कम समझ में आया दोबारा देख सकते हैं रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप खुद भी गूगल कर सकते हैं और अगर नहीं समझ में आया स्विच टू तो द इंग्लिश मीडियम सेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग